और पहला स्क्रैच भी आ चुका है गाड़ी। जो सबसे प्यारा फीचर लगा है मुझे, चेक दिस आउट। ओए होए 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 मंगलवार का दिन है, बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं जा रहा हूँ करोल बाग गाड़ी का काम करवाने। तो चलो ही चलते हैं। हालत देख लो और पहला स्क्रैच भी आ चुका है गाड़ी। तो दिल्ली और करोल बाग खासकर हालत ऐसी ही रहती है, आपकी गाड़ी ठुकेगी ही। तो दिल को थोड़ा संभाल के रखो शुरू से, जब भी नई गाड़ी लेते हो। ये क्या चीज खोल रहे हैं? तो लगाने के लिए। आप डरो मत, बेफिक्र रहो। चलिए जी, देख लीजिए जो हमने काम कराया है गाड़ी में। वेरी नाइस, ये तो पूरा डिस्को बन गया है। हाँ जी, खर्च कर दिया है दोबारा 8,000 रुपए अपनी गाड़ी पे। जो चीज मैंने सोची थी कि जब मैं कभी नई गाड़ी लूंगा उसमें जरूर वो करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, वो है ये देखिए, ये देखिए। अभी भी थोड़ी लाइट ज्यादा है, हम सनरूफ बंद कर देते हैं। चेक दिस आउट, ओ माय गॉड। अब इसमें अलग अलग रंग भी आते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता अलग रंग, क्योंकि अभी हम मोबाइल से कर रहे हैं रिकॉर्ड। तो बस छोटी मोटी चीजें एक दो और थी, जैसे कि ये सनशेड पीछे लगा हुआ आया था, फिक्स्ड है उसके अंदर, ये वाला एक्स्ट्रा ले लिया। उसके अलावा डोर प्रोटेक्टर होते हैं दरवाजा खोलते हुए, जो कहीं बजे ना वो। उसके अलावा डोर मैट्स हो गए जी, अपनी डिक्की का मैट हो गया। उसके अलावा ये अपना जी परफ्यूम हो गया। और हाँ, एक जो क्रोम जो मेरा रह गया था डिलीवरी के टाइम, जो मैंने वहां से नहीं लगाया था, तो वो बाहर से लगवाया, वो यहाँ शीशे के बाहर लगाया, तो वो आपको दिन में दिखा देंगे। तो चलो जी घर जाऊं, मैं पूरा दिन लग गया, खाए पिए कुछ आराम करें, आप भी आराम करो। थैंक यू। ओए होए होए, 2 दिन से दिल्ली में बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है, अब सर्दी आ चुकी है फाइनली। देख ही सकते हो आप। ओके, ये क्या, एक वाइपर ही खड़ा है। ये फास्टैग भी एक्टिवेट नहीं करा पा रहा मैं, मेरा पेटीएम की केवाईसी है अभी। आज ही अंदर से सफाई कराई गई है इसकी, क्योंकि 2 दिन पहले जो हमने अपने मित्रों को बिठाया था इसमें, उन्होंने बहुत गंद मचाया अंदर। देखो चक्कर क्या है, कल मैं घर वालों के साथ जा रहा था, मम्मी का बर्थडे था, रात में डिनर पे जा रहे थे मूवी पे, तो मैं बैठा गाड़ी में, मैंने दरवाजे को ऐसे खींच के बंद करा, तू भी सुन। तो मैं कह रहा यार ये हिल रहा है, ये देखो, मैंने यार इतनी वीक क्वालिटी थी नहीं हो सकती किया कि मैंने ये वाला चेक करा, ये हार्ड है। बाद में पता लगा कि इधर ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने बंद करके, खुल नहीं रहा, यहाँ पे एक नट है था जो कि है नहीं, क्योंकि जिन भाई साहब से हमने करवाई है ना जी अंदर लाइटिंग वाइटिंग की फिटिंग, उन्होंने डाला ही नहीं वो। और पता है क्या, मैं पूरा टाइम खड़ा था उसके साथ 3 घंटे, मैंने कहा भाई एक एक चीज ना, एक एक नट ढंग से टाइट करना, क्योंकि भाई नई गाड़ी है और मैं दोबारा नहीं आ सकता। पता है उसने मुझे क्या बोला, हमारा रोज का काम है भाई साहब, टेंशन मत लो, हम गुंजाइश छोड़ते ही नहीं तो आप हमारे पास दोबारा आओगे ही नहीं। मैंने कल रात को 9:30 बजे उसको फोन करके सुनाया बंदे को, मैंने कहा क्या तुम्हारी कारीगर है, नई गाड़ी ली है, खोल के एक नट लगवाने में तुम्हारे वहां आऊंगा, ओरिजिनल नट खो दिया बताओ। तो वही लगवाने अभी हम जा रहे हैं, उसके बाद आपको गाड़ी भी दिखाएंगे हम ढंग से। 3 ब्लॉक से बोल रहा हूँ, गाड़ी नहीं दिखाई मैंने। हाँ जी, देखो वैसे मैं कोई गाड़ी रिव्यू करने वाला हूँ नहीं, ना मेरा चैनल है ऐसे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी गाड़ी के कुछ कुछ फीचर्स बताऊंगा जो मुझे पसंद है। जैसे कि ये है क्रूज कंट्रोल, देखो जी इसका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने जा रहा हूँ मैं। ये 36 किलोमीटर की स्पीड है, अभी हम इसको सेट कर देते हैं 40 पे, आप देख सकते हो। काली जी एक बार ये पकड़ो जरा, ये देखो जी एक्सीलेटर से मेरा पैर कहाँ पर है। हा हा हा, अब जब हम लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो टांगे ऐसे रखेंगे और हाथ यहाँ से बाहर रखेंगे हम सनरूफ से। अभी मैं खोल नहीं रहा, अभी बारिश हो रही है भाई साहब, मौज हो गई। दिस इज द बेस्ट फीचर, मतलब नेल वेल्स काटने हैं, पैर में खुजली करनी है, सब हो सकता है, गाड़ी चलते रही, वो टेंशन की बात ही नहीं है। सेकंड सबसे बेस्ट फीचर मैं आपको बताऊं, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये मेरे फोन की स्क्रीन है। ये देखो यहाँ पे स्पॉटिफाई है, यहाँ पे कॉल्स का है, यहाँ मैप का है। मैप पहले बड़ा औखा हो जाता था, यहाँ पे रखता था मैं मोबाइल, इधर घुसा के रखना पड़ता था कुछ देखना है तो, लेकिन अब हमारी स्क्रीन पे दिख जाता, देखो आप, ओए होए क्या मजा आ रहा है। तो इससे बहुत ही ज्यादा आराम हो गया, क्योंकि आपको पता ही है मैं टिक के तो गाड़ी चलाता नहीं,
या तो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ या मैं गाने सुन रहा होता हूँ, तो वो फिर दिक्कत होती है नीचे देखने में, हम सामने देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और अभी बाहर से भी हम खुद दिखाएंगे उतर के कि जो मैंने नए नए काम कराए हैं इसमें मस्त। आपको मैंने खुद इसका इंजन नहीं देखा, बताओ, डीजल इंजन 1500 सीसी का इंजन है भाई साहब, क्रेटा के बराबर का इंजन है, और मैंने भी देखा ही नहीं, बड़ा पावरफुल इंजन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको डिक्की दिखाऊँ, डिक्की बहुत बढ़िया जी, अपने साथ जितने बंदे बैठेंगे सबका सामान आ जाएगा। यही एक और रीजन भी है, वो भी सारा मैं अंदर बैठ के बता रहा हूँ, बाहर जित के यकीन सारे ओलो कर जांदे ने, पै बूहे लेके सब अनफॉलो कर जांदे ने। गाइस देखो नया फीचर पता लगा है अपने को, ओए होए 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 यार, अगर असली में ऐसी चल जाए तो पूरी हार्ट बीट लगेगी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like... तो हम खड़े हैं अभी कॉमनवेल्थ विलेज में, दिल्ली के अक्षरधाम के पीछे जो है वो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, और इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना जी, और जैसे मैंने कपड़े पहने तो और ही ज्यादा मजा आ रहा है। और अभी पता है क्या हुआ, यहाँ से मैं गाड़ी लाया और इस गड्ढे में घुसा दी, बताओ। वो तो किस्मत अच्छी है जी, अपनी गाड़ी के टायर 16 इंच के हैं, तो अपनी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, निकल गई, नहीं तो अभी मेरी बीट या वैगनार होती तो भाई साहब ये पूरा भार आ जाता था। थैंक यू। कल ही हम इनको इंजन दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा अभी तक, दिखा अब ये देखो जो सबसे प्यारा फीचर लगा है मुझे, ये हमने पहले करी अनलॉक, फिर मैंने करी लॉक, और फिर मैंने इसको दबा के रखा होल्ड, खींची नहीं तूने पूरी ऊपर, और एक और खींचेगी ऊपर, ओहो फ्लॉप हो गया मामला, एक सेकंड, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये हुई लॉक, अब होल्ड। ओए अब अनलॉक करके इसका बोनट खोलते हैं। कहाँ खड़ा है, शिट, चाबी भी पहली बार यहाँ गिरा चुका हूँ मैं फटक के, चक दो। ओके गंदा हो चुका है, यहाँ होगा ये रहा, ये रहा। काफी ही बड़ा इंजन है जी, पहली बार मैंने देखा है ऐसा इंजन अपनी गाड़ी में। बात तो ऐसे कर रहे हैं जी ऐसे कि पहली बार कोई जेट का इंजन खोल दिया हो। जी RDI 16V काफी नया है, बैटरी काफी बड़ी है, मजेदार, बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, जितनी सुंदर बाहर से उतनी सुंदर अंदर से, काली है लेकिन दिल की साफ है, अंदर से सफेद है। नाउ लेट अस ओपन द बूट, ये देखो। ओके ओके, इसके अंदर ये नंबर प्लेट के मैंने खरीदे थे जो कवर होते हैं, अभी नंबर प्लेट आएगी तो लगाएंगे। ये है जी सनशेड, 4 का सेट था तो 2 हमारे वेस्ट हो गए, क्योंकि 2 अपनी गाड़ी में पहले से लगे हुए आते हैं। तो ये देखो जी फूट, एक बार देखो 392 लीटर है जी, 392 लीटर, अरे मेरे यहाँ बंदा, ओहो हो हो ऐसी जाऊंगा मैं दिल्ली में जो ऊपर हो जाती है, तो 2-4 बंदे और बैठ सकते हैं। आ दिखाओ, बाहर से काम करवाया था उसने करोल बाग से, ये लगवाई थी मैंने क्रोम, वैसे बाकी जो क्रोम आप देख रहे हो सारी लगी लगाई आई थी, मतलब कंपनी से लगवा ली थी मैंने, ये बाहर से लगवाई थी, और ये आखिरी मूवमेंट में लगवा ही रहा था मैं ऑलमोस्ट, फिर बाई चांस फोन कर दिया कालिया साहब उस दिन हमारे साथ में थे करोल बाग में, तो पता लगा जी 800 रुपये में लग रही है, और हमें कंपनी वाला दे रहा 1600 रुपये की। तो मतलब जितनी और क्रोम है जो 10-15 हज़ार की आई है, वो अपनी आधे रेट में लग सकती थी अगर मैं कंपनी से नहीं लगवाता। और हमने बाहर से अच्छा सनवाइज़र लगवाए थे, तो जो कंपनी के आते हैं उसमें यहाँ पर भी क्रोम होता है, तो मुझे पसंद नहीं था, ये ज़्यादा स्पोर्टी है, तो ये वाला लगा दिया मैंने, एंड ये भी लगवाया जी, क्योंकि दूसरे ही दिन मम्मी गाड़ी में बैठी थी, मैंने दरवाज़ा खोला और साथ में दीवार थी उस पर बच गई, तो ये लगाने बहुत ज़रूरी थे, अदरवाइज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये। अच्छा तो हम शुरू हो गए चकना खाने यहीं पे है, व्हाट इज दिस, सब आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया, पीछे वाली सीट नहीं दिखाई वैसे मैंने आपको अभी तक। ओके तो पीछे वाली सीट ऐसे है, काफ़ी गंदी हो रही है, सुबह ही साफ़ करवाई है, बट भाई ने साफ़ करी नहीं है अच्छे से, बताना पड़ेगा उसको,
ओके, ये रखने की जगह है। मैं पहली बार बैठा हूँ अपनी गाड़ी की पिछली सीट में। ये एसी वेंट है यहाँ पे जी, फास्ट चार्जिंग वाली जगह है, बताओ फास्ट चार्जिंग पीछे क्या ही बात है। एंड कुछ ऐसा ही है, अच्छा यहाँ भी लाइट है, बहुत ही बेहतरीन। अब एक बढ़िया सा थंबनेल लेते हैं, छाते को देख के मुझे याद आया, आ जाओ। Let's go.